भैया बहुत गजब हो गया है। तो आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी खड़ा सरहद पहले फौज चस्पा रहे, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पुकार है। अरे भैया ये आपने क्या, आप क्या करें? विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। हाँ भैया, वो विजयगढ़ का जमींदार सारी सेना लेकर अपने हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है। अरे भैया हवा हमारी अकल, कल ही राजा बना आज मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रखा हूं की भैया। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल ही हमारे सर पे ताज रखा गया और आज वो विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया गया। हाँ भैया, इस वक्त हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। भैया घबराए नहीं, लेकिन हाँ भैया, इस वक्त बॉर्डर पे सेनापति अमर सिंह भी नहीं मौजूद और दुश्मन मौके का फायदा उठा सकता है, इसलिए इसी वक्त अमर सिंह को बगले से बुलाकर तत्काल उसे सीमा पे भेजा जाए और दुश्मन से मुंहतोड़ जवाब दे वो। आप ठीक कहते हैं बड़े भैया कि अमर सिंह अपने बंगले पर होगा और सिपाहियों को भेजकर हमारे समक्ष उसे बुलाया जाए। जो सिपाही जाओ अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल लेकर राजदरबार आओ। जाओ उदासी का कारण जानना चाहता हूं और तत्काल हमें तलब क्यों किया गया। अमर सिंह
आप जानना चाहते हैं कि हम इतना चिंतित राज दरबार में क्यों बैठे हैं? हाँ। मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगा अमर सिंह। जसीपाल है राज पर उसने आकर और चढ़ाई किया हम सबों का बना अमर सिंह विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह आज अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। बस इसी के लिए हम राज दरबार में चिंतित बैठे हैं। महाराज आप और जसपाल सिंह से खौफ आ गए। जब तक ये अमर सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो दिल में चिंता ना अपने करे साहबी, दिल में चिंता ना अपने करे साहबी, बिहु रचना अनोखी बनाऊंगा मैं। फौज सारी फते उसकी उस पीह में डाल कर हकड़ी को लाऊंगा मैं। महाराज अगर आप हुक्म दें तो जसपाल सिंह का नाम निशान उसे मिटा दो। नहीं अमर सिंह, जसपाल सिंह को सीमा सरहद पे समाप्त नहीं करना। जसपाल सिंह को जिंदा गिरफ्तार करके उसे हमें हमारे समक्ष लाना। महाराज अमर सिंह के रहते हुए आप कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हवेली की तरफ व आपकी तरफ किसी ने नजर उठाने की हिमाकत की तो भगवान को सब उसकी बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दूंगा। आप चिंता न। शाबाश मेरे बहादुर, जा अपनी सारी फौज लेकर और जिस पर तुम तोड़ जा आपकी। बड़े भैया हमारा बहादुर गया है दुश्मन से टकराने के लिए। क्यों नहीं भैया, और जब तक वापस नहीं आ जाता है आओ हम लोग उनके आने का इंतजार करते हैं। चलिए भैया हमारे साथ। साला अमर सिंह जाओ साले जाओ, वापस आते हो कि वही धराशाई हो जाते हो? जसपाल सिंह को क्या समझ रखे हो, कोई बकरी का बच्चा है जो गया और से दबोच लिया? शिवाय शिवाय ये अमर सिंह जा रहा है जसपाल सिंह से टकराने के लिए, और ये साला वहां से अब जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम भी जाओगे ना वहां? जाओगे, लेकिन शिवाय तुम होशियारी से काम ले रहा हो। जसपाल सिंह के आदमियों पर तुम वार नहीं करोगे, अमर सिंह की पूरी फौज मरवा देना, लेकिन जसपाल सिंह के आज वो तुम वार नहीं करोगे। अमर सिंह की पूरी फौज मर जाए मतलब नहीं है। हाँ अमर सिंह मर जाए मतलब नहीं,
पूरा गांव मर जाए मतलब नहीं, तू मर जाओ मतलब। साला मुझे मारना चाहता है। बात बता दी, हम बोलबे ना कर। हाय श्री अमर सिंह और उसकी फौज, बातें नहीं चाहो लेकिन होशियारी से काम लेना। नहीं याद रखना, तुम्हारी खाल खींच लूंगा। मत चलना। सीबीआई, हम लोग सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो नहीं लंबरदार, लेकिन अमर सिंह के यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं नजर नहीं आ रहा। आओ हम लोग दक्षिण सीमा की तरफ चलते हैं और काश अगर अमर सिंह वहां मिलता है तो उसी जगह पे उस शराम जादे का नामो निशान मिटा दिया। आओ अमर। तो भाजा अगर जान प्यारी तुझे, हाथ मल मल के बरना तो पछताएगा। जब तलक चा में चा है अमर सिंह के, एक टुकड़ा न ले करके जा पाएगा। तेरे अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हो गई चढ़ाई करने की? यार अमर सिंह, तू क्या समझता है कि जसपाल से गया है तो आज खाली हाथ विजयगढ़ वापस नहीं जाएगा? तुम खाली नहीं, तुम जिंदा वापस नहीं जाओ। क्या? हाँ हाँ। तो पिता का तुझको बढ़ाना जाए इसलिए तू उगलता चेहर जा रहा है। सिपाही से कैद कर लो अभी, मौत सर पे है इसके, ये मर रहा। किसकी हिम्मत है जो, किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे, तो पिनाए मेरे हाथ में हथकड़ी। चीर डालूंगा सीने पर चढ़कर अभी, भूला दूंगा मैं सारी सभी है कड़ी। चीर डालूंगा तो बस खबरदार, अमर सिंह चुबार रोक के ले शान में मार देगे दुदम, बेचु मुल के यदम सलुड़कता जमीन पे नजर जाएगा। अमर सिंह, आज तुझे जब तक दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, खाली हाथ विजयगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। शिवायों यहां काट कर फेंक दो इस छाप। कौन ऐसा तेरा बहादुर सिपाही है जो हमारे सिपाहियों का मुकालबा करेगा? आज के मौत भरान हो तो ये साला चिरकुट हमारे सिपाहियों का मुकालबा करेगा। मेरे को चिरकुट बोला सिपाही? ये बात तो मैं जानता था कि तुम चिरकुट हो, इसे कैसे मालूम हो गया? इसका मतलब आपके नजर में हम चिरकुट हैं। लेकिन इस बात को मैं जानता था, इसे कैसे मालूम हुआ? ये न जाने दो, ये गाँव नाम बताए। अमर सिंह इतना ही नहीं,
इसके खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें अमर सिंह नहीं मालूम है, इसकी माँ जब अपने मायके से आई है अपने ससुराल, तो इसे दहेज के रूप में अपने पेट में लेकर आई है। और जानते हो इसकी माँ ने इसे झाड़ियों में पैदा किया है। ये साला हमारे सिपाहियों का एक झटका नहीं रोक सकता। अफसोस, अब ये बात सिर्फ मैं जानता था, लेकिन इसे कैसे मालूम हो गया कि तेरी माँ झाड़ियों में तुझे पैदा किया है? आप निहारत रहे हो ना? ये दुश्मन है, दुश्मन की बात पर यकीन ना करो। ये साला नहीं कहीं खोद रहा है आराम। अबे तेरे नस्ल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ए सिपाही, मिटा दे इस शर्म जाते को। मौत तुहार फर फरान हो, मौत तेरी आ गई है बच्चे। मेहरारू औरारू है कि नहीं? मेहरारू से क्या मतलब है? तुमका मार दो मेहरारू तुहार रान हो जाए। तुहरे गांव के लौंडे का भौजी भौजी गई के नाश्ता करी है। ओए चिरकोट, मरना चाहता है ना, तो चल तैयार हो जा। अंधे लंगड़े फौज मत दौड़े। हैं तुम मारे आए हो कि तुम मरे आए हो? मारने आया हूँ। कौवा रहो का? कौवा नहीं रहा हूँ। दुनिया रात में कौवा थे, दिन में कौवा रहे हो? मनई सोवत के कौवा थे, तुम जागत जागत कौवा रहे हो? यह दुनिया देश देख लियो, अब आज के बाद तुम दुनिया देख ही ना पाई हो। हाँ। आज यही गांव में तुम्हारी मौत हो जाए पक्का है। चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा। कौवा रहो का? तुम हमका मारी हो? तुम खुद ही मारे हो तो तुम मरी हो का? घबराओ ना, हमार तो हाथ तय है। आओ 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 ठाकुर आओ। आ गए गब्बर। मौत तेरे सर पे नाच रही है कालिया। आपने सर पे देख पहले देखे आपने? आज तुम्हारी मौत यहाँ चार छा जाऊ जिनके जिंदगी हो तुम्हार लाई डाली। क्या तुम्हारी चार छा दिन की जिंदगी है? आज तुम्हारी मौत हमारे हाथ होगी। आइए। आइए नहीं, तुमका अगले बगल से ले जाओ। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं ना, आज तुम्हारे लिए दिन बुरा। क्या मुंशीगंज से? हाँ। सामने आइए। सामने तुम नहीं, तुमका अगल बगल से लाई बहा। बगल से कैसे ले? तुहू तो तनखा ले हो, फर्जी बंदूक लिए खा ले हो। ले कुछ ताकत दिखाओ कि थक गए? वाह। थके नहीं ना जी, इनका तो हम अकेले वही चबा जाए, लेकिन तनखैया तो तुहू ले हो। एक आधे का मिरोरो बोटी बोटी इनका अलग कर दे। आज तुम्हार काम खत्म। क्या मेरा कि तेरा? हमार नहीं तुम्हार, देखा जाएगा। मैं खत्म होता है तू।
शाबाश शाबाश सालमपुरी सिपाही, तूने तूने एक सिपाही के इसके खत्म कर दिया। खत्म नहीं किए का हम जान के मरवा हुआ है, वो ऐसे रोगिया रहा ओके ऐसे आँखी नहीं खुलता, हम कहा कहे का फर्जी तनखा महाराज के जाए एक निपटवाई दे हम छुट्टी मिले। अब दरअसल बात ये है कि ओके मेहरल से हमारा सिस्टम चल रहा है और वह के रहते हुए हमारा कोई सिस्टम पास नहीं होता था, इसीलिए अब मरवा जावा उनका अब आने जाने का रास्ता का। चल अब इसका मुंडी बाबा पुरवा भेजेंगे। क्या बोला बे? तेरी मुंडी काट कर बाबा पुरवा भेजेंगे। तेरी हवा लीक कर रही यार, तू क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, तू क्या बोल बोल। तेरी मुंडी काट कर बाबा पुरवा भेजेंगे। लड़ाई ऊपर से हो नीचे से न हो। क्यों? लड़ाई नीचे से न हो, लड़ाई सगल से होती है। कैसे क्या कहतेगा? मुंडी काटेंगे। हा? मुंडी मुंडी साले हम कुछ और समझ रहे हैं। और क्या समझ रहे हैं? साले तेरी हवा लीक हो रही है, साला कह रहा है मुंडी, हम कुछ और समझ रहे हैं। क्या तेरी हवा पीछे लीक हो रही है? हाँ तो तुम समझा जाओ। बहावे वाली ना है। और क्या नहीं बहा के भाई मारे रहो सुकुआरी जगह में लाग दे रहा है। लागने के लिए लड़ाई होती ना मारे वो इतना के लागे कहता जी लाग गए तो मैं रोजू जाऊ तुम कहा। ये क्या हथियार जमीन में डाल दिया? हथियार इसको दे दिया है, निहत्थे को वार नहीं करते। कायर गुलचिन थोरो और हुकुम हो दिन हो के चबाई। चुप! तुमने हमारे सिपाहियों को मारकर साले अच्छा नहीं किया। क्या जसवाल सिंह बार ना खेला तेरा, पार ना झेला मेरा और करारा जाएगा आज सीमा पर बेमौत मारा। अमर सिंह शेर घबराते नहीं, शेर घबराते नहीं, देखकर मैदान को और हाथ से रोकते आए आते हुए तूफान को। गीदड़ की आवाज गीदड़ ही सुनेगा। आप मेरे को गीदड़ बोल रहे हैं? नहीं, ये डायलॉग है। सारे डायलॉग हमें ऊपर बजे हैं। ये वाकई में साला गीदड़ है। गीदड़ की आवाज गीदड़ ही सुनेगा और सुनेगा तेर तो जीवित न छोड़ेगा। समंदर में बलाओ का, समंदर में बलाओ का जल चला शैतान हूं और गर्त कर दू वो सफीना मौत का पैगाम। जटा कटे छटे के चुलबुले क्यों इतनी आंख दिखाता है, नहीं जानता मेरा स्वभाव बेसुरी रागनी ठक। अमर सिंह सुराही के ढक्कन को, सुराही के ढक्कन को जरा खोल कर तो देख और इस शेर के बच्चे को जरा छेड़ कर तो देख। छोड़ दे मुझे।
छोड़ दे साले, कभी पहन लो वरना वो मार मारूंगा साले, पूरा खानदान गूंगा हो जाएगा। जसपाल सिंह जी तो चाहता है किसी जगह तेरा नाम निशान मिटा दूं, लेकिन नहीं, महाराज का हुक्म, तुझे गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करूंगा। अमर सिंह मार दे मुझे, अच्छा होगा, काश अगर मैं जिंदा बच गया तो इसके खानदान में कोई साला चिराग जला। बचे न पावे नहीं, पूरा परिवार चबाए खाई। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा परिवार समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं, अभी हम मौजूद हैं, परिवार चलेगा, तुम नहीं रहोगे दूसरा आएगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मतलब तुम साले हमारे घर में गड़बड़ करी। घर में नहीं, जब तक तेरी बीवी को साले उठा करके नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम घबराओ नहीं, इसे घसीटते हुए लेकर चलाओ, चलाओ जसपाल सिंह। हमसे लाइन लियो, वैसे अगर ये जिंदा बच गया तो हमारा परिवार चबाई, तो तुमका हम चबाए लाएगा। ये साला नशे पे मारा थे। तो करीब क्यों जाते हो तुम साले हराम खोर, हमें नजर मचाले हो। चक्कर में हमार दुश्मनी करिए, तो घबराओ नहीं, से लेकर चलो। जब ये जिंदा रहेगा तब महाराष्ट्र से मौत की सजा दिलाना, ये जिंदा नहीं बचेगा। चलिए साहब,